नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों सुबह हो गई है, हम तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं अपने कुछ मित्रों से मिलने के लिए खेल के मैदान में। वहां हम योग करेंगे और कुछ खेल खेलेंगे। दोस्तों साथ साथ में इस समय बारिश कम हो गई है तो हम चिड़ियों के लिए कुछ दाना रखेंगे। दोस्तों छतरपुर जिले में आजान भुज सरकार का मात्र एक ही मंदिर है, हम आपको वहां आज ले चलेंगे, जो एक पहाड़ पर स्थित है जहां से हमारा पूरा छतरपुर दिखाई देता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस ब्लॉग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं खेल के मैदान में, उसके बाद हम आपको आजान भुज सरकार के मंदिर ले चलेंगे। दोस्तों हम देख रहे हैं जो हमने चावल के दाने डाले हुए हैं उनको कबूतर खाने के लिए आ चुके हैं। आप देखिएगा लगभग पाँच कबूतर यहाँ पर आ चुके हैं और चावल के दाने खा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक सामने मेन दरवाजा आजान भुज सरकार का, आप देख सकते हैं ऊपर विराजमान है गणेश जी महाराज और सेवा में है सिद्धि सिद्धि माता। आप देख सकते हैं बगल में हाथी है और ठीक बगल में दूसरा हाथी है, कितना सुंदर दरबार है। दोस्तों यह आजान भुज मंदिर छतरपुर के महुआ रोड पर स्थित है जो जानराज टोरिया मंदिर पर है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं छतरपुर शहर की जानराज टोरिया पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आजान भुज सरकार का मंदिर है। मेरे साथ आप देख सकते हैं आशीष जी अग्रवाल आए हुए हैं जो मुझको लेकर आए हुए हैं। इस समय सतना में वह निवासरत हैं और आज हम आए हुए हैं आजान भुज सरकार मंदिर में, जो बहुत ही अच्छा मंदिर है, भगवान श्री राम का है। तो चलती हैं, आपको दर्शन कराते हैं आजान भुज सरकार के मंदिर में। आजान भुज सरकार का मंदिर की सीढ़ियाँ, क्या गेट है स्टील का और सामने आप गेट देख रहे हैं और ऊपर राम दरबार, कितनी भव्यता जो इस मंदिर के दरवाजे की शोभा बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं जानकी माता, रामचंद्र जी, नीचे हनुमान जी, भरत शत्रुघ्न विराजमान हैं। कितना सुंदर, कितनी अच्छी डिजाइनिंग, आहा, कितना सुंदर मंदिर है जिसका नाम है आजान भुज सरकार। तो आजान भुज सरकार मंदिर पहाड़ पर स्थित है, आप देख सकते हैं पास में हम पहाड़ के नीचे की तरफ देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं जंगल नुमा हमको दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं जो छतरपुर शहर, कितनी घनी बस्ती हमारे छतरपुर शहर की दिखाई दे रही है यहाँ से। लेकिन आप देख सकते हैं जो यहाँ पर खेत हैं, खेत के कारण कितना अच्छा जंगल टाइप का दिखाई दे रहा है, हरा भरा हरियाली और बगल में छतरपुर शहर की बस्ती, बहुत ही आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर। चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको भगवान श्री राम के आजान भुज सरकार के दर्शन कराते हैं। दोस्तों आप मंदिर परिसर में यह स्थान देख सकते हैं, यहाँ पर अखाड़े के कुछ सामान भी रखे हुए हैं, बाबा जी का जो दरबार सिंहासन लगा हुआ है, ठीक बगल में हनुमान जी महाराज मुकदर लिए हुए बैठे हैं, ठीक पीछे भारत माता का सुंदर चित्र रखा हुआ है, बगल में अन्य आपको यहाँ पर अखाड़े के सामान रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है यह है। आजान भुज सरकार का मंदिर, यह मंदिर परिसर है, कितना सुंदर परिसर है,
और आप देख सकते हैं यही आजान भुज सरकार का मंदिर है, हम आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों बगल में आप देख सकते हैं वही खेत, वही हमारे छतरपुर शहर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम कई किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं, टावर दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सिटी दिखाई दे रही है, जंगल टाइप का ये खेत दिखाई दे रहे हैं, कितना हरा भरा, कितनी अच्छी हरियाली दिखाई दे रही है। मुझे तो मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमते हुए। धीमी धीमी हवा भी चल रही है जिसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पेड़ झूम रहे हैं, जैसे लगता है जैसे गीत गा रहे हों। आप देख सकते हैं कितनी घनी सिटी हमारा छतरपुर शहर। आप देख सकते हैं एक और मंदिर हमको जो एक खेत में बना हुआ दिखाई दे रहा है, खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आजान भुज सरकार मंदिर को आपको दर्शन कराते हैं, जो ध्वज भगवा ध्वज आपको दिखाई दे रहा है। यह आजान भुज सरकार का दरवाजा है, यह परिसर। दोस्तों हम आ चुके हैं आजान भुज सरकार मंदिर में। आहा, क्या शोभा, भगवान जी की हमको दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं भगवान आजान भुज सरकार सामने विराजमान हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, रामायण में भगवान श्री राम ने खरदूषण राक्षस को मारने के लिए आजान भुज रूप रखा था। आप देख सकते हैं हमारे छतरपुर शहर का आजान भुज सरकार सामने आपके विराजमान है, जो हमारे शहर का केवल एकमात्र मंदिर है आजान भुज सरकार। भगवान के ठीक बगल में लड्डू गोपाल विराजमान है। कितने सुंदर भगवान लड्डू लिए हुए लड्डू गोपाल, और दरबार में आप देख सकते हैं शालिग्राम महाराज, कितना सुंदर दरबार लग रहा है। मेरे भाग्य कि मुझको आज आजान भुज सरकार के दर्शन हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर के गर्भगृह के परिक्रमा मार्ग में भगवान विष्णु द्वारा जितने भी अवतार लिए गए हैं उन सभी स्वरूपों के चित्र या मूर्ति नुमाकार बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप भगवान विष्णु का अवतार, उसके बाद आप नरसिंह अवतार देख सकते हैं, उसके बाद आप कच्छप अवतार देख सकते हैं भगवान विष्णु का, उसके बाद मत्स्य अवतार। हम आगे बढ़ते हैं, भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार और परशुराम अवतार आप देख सकते हैं, वामन अवतार। और हम आगे बढ़ते हैं इस गर्भगृह के चारों तरफ हम आपको दर्शन करा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं गर्भगृह में, हम आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कलाकृतियां यहाँ बनी हुई हैं। भगवान विष्णु के रूप आप स्वयं देख सकते हैं, भगवान विष्णु, कितना सुंदर मंदिर, आज तो मुझको मजा आ गया। कितना सुंदर आप चित्र देख सकते हैं आजान भुज सरकार मंदिर में। आप देख सकते हैं बड़े बड़े घंटे, भगवान कृष्ण की यह चित्र कितना अच्छा लग रहा है। आहा, आजान भुज सरकार, भगवान आजान भुज सरकार की जय। दोस्तों आपको मैंने आज आजान भुज सरकार के दर्शन कराए, हमारे सामने आए हैं, साथ में आए हुए हैं आशीष जी अग्रवाल जो सतना से आए हुए हैं, और उनकी प्रेरणा से आपको और मुझको भी भगवान श्री राम आजान भुज सरकार के दर्शन हुए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। दोस्तों आज हमने आपको छतरपुर शहर के जानराय टोरिया पर स्थित आजान भुज सरकार के आपको दर्शन कराए। आज मेरे साथ आशीष जी अग्रवाल भी साथ में रहे। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप दिए गए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, अपने घर की ओर चलते हैं। हमारे भतीजे रुद्र नायक पांडे जी अपने दादाजी के साथ
चेस खेलते हैं, वह मोबाइल का गेम फ्री फायर नहीं खेलते हैं। उन्होंने 15 अगस्त के दिन प्रतिज्ञा ली थी कि हम अब फ्री फायर गेम नहीं खेलेंगे और मैदान के गेम लुका छिपी, खेल कबड्डी और घर में चेस खेलेंगे। वो इस समय बहुत ही अच्छा चेस खेलने लगे हैं। आप देख सकते हैं वो अपने दादाजी के साथ चेस खेल रहे हैं। अगर आपने इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।